हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेली फॉर ऑल। दोस्तों, आज से मैं आपको जीएसटी R1 में एक एक करके सारे इनवॉइस में एंट्री करना सिखाऊंगा। जैसे कि हमारा जो पहला इनवॉइस है वो है B2B इनवॉइस। तो B2B इनवॉइस में क्या होता है, जैसे कि आप एक रजिस्टर्ड डीलर है, या जो आपकी कंपनी है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, और आप जिस कंपनी से डील करते हैं या फिर आपका जो कस्टमर है वो भी एक रजिस्टर्ड डीलर या कंपनी है। तो आप जो भी उससे डील करेंगे, जो उसका इनवॉइस होगा वो B2B इनवॉइस पर शो होगा। और आज साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब हम अपने आइटम्स को स्टॉक ग्रुप में बनाते हैं तो हम उसमें GST को कैसे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ कर रखी है KL ट्रेडर के नाम से। फिर उसके बाद GST को इनेबल करेंगे, उसके लिए प्रेस करेंगे F11। फिर स्टेटरी एंड टैक्सेशन में जाने के लिए प्रेस करेंगे F3। और फिर यहाँ जो पहला ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसको भी यस कर लेंगे। और सेट क्वार्टर GST डिटेल को भी यस कर लेंगे। और यहाँ अपनी GST डिटेल डाल देंगे, स्टेट ले लेंगे, रेवेन्यू ले लेंगे और अपना GST नंबर डाल देंगे। अप्रूवल फॉर्म में 1 जुलाई ले लेंगे, बाकी एज इट इज रहने देंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूं मैं। अब हम अपना एक स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो में स्टॉक ग्रुप में, और यहाँ पे क्रिएट स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। जैसे कि पहले मैं ले लेता हूँ फर्नीचर, तो यस कर देंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर दूसरा बना लेता हूँ मैं, इसको यस कर देंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तीसरा बना लेता हूँ, इसको यस कर देंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको बैक करेंगे। अब हम आइटम क्रिएट करेंगे, उसके लिए बैक करेंगे, फिर जाएंगे स्टॉक आइटम में और यहाँ मल्टीपल में जाके क्रिएट करेंगे। पहले मैं लेता हूँ कंप्यूटर में, यहाँ मैं अपने आइटम क्रिएट करता हूँ। बिल्ड बना लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको एक और आइटम बनाएंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, अपनी आइटम बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। कर लेंगे, फिर बनाएंगे फर्नीचर के लिए, फर्नीचर के आइटम ले लेते हैं। इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटरी रिपोर्ट्स में, GST में, और यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं आप GST रेट सेटअप, इसको क्लिक करेंगे और देखिए हमने जो स्टॉक ग्रुप बनाया था वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है।
अब इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस F1। देखिए हमें जो अभी आइटम्स बनाए थे हमारे वो हमें शो हो रही है। अब हम इसमें अपना जो टेक्स्ट है वो फिक्स करेंगे। इसके लिए आप पहले प्रेस करेंगे स्पेस बार। देखिए ग्रीन कलर का शो होने लगा। तो यहाँ जो आप ऑप्शन देखेंगे सेट रेट, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने टेक्स्ट रेट देंगे। तो पहला जो मेरा था वो कंप्यूटर था, उसका HSL कोड डाल देंगे, नो रहने देंगे और इस पर टैक्स भर लेंगे। फिर अपने कंप्यूटर का जो टैक्स है वो फिक्स कर लेते हैं। सपोज मैंने ली 28%। देखिए यहाँ अब आइटम वाइज वो इक्वली डिवाइड होके शो कर रहा है। अब जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, प्रेस करेंगे स्पेस बार, फिर जाएंगे सेट रेट में और फिर इसका जो टैक्स है वो भी फिक्स कर लेंगे। देंगे यहाँ टैक्स बने देंगे। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है मैं सुन कर रहा हूँ, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स उसका टैक्स है जो है 18%। फर्नीचर में स्पेस बार दबाएंगे, सेट रेट इसका भी टैक्स जो है फिर फिक्स कर लेंगे। डाल देंगे इसको, दो रहने देंगे, इसमें टैक्स वाले लेंगे और उसका टैक्स एक्सप्रेस कर लेंगे। ठीक है भाई, जो आइटम वाइज है सबका जो है टैक्स है वो ना शो हो रही है। हम बैक बैक करेंगे और हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, सेल्स में एंट्री करेंगे, सबसे पहले डेट चेंज करेंगे, उसके प्रेस करेंगे F2 और फिर अपनी डेट चेंज करेंगे, अपना पार्टी अकाउंट बना लेते हैं, प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस C। ये हमारा बस सभी डिटेल्स, हमारा लोकल कस्टमर है और उसको यस करूँगा और यहाँ अपने जो डीलर है जो मेरा कस्टमर जो है GST नंबर डाल दूंगा। इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा और फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक सेल्स रिजर्व बनाएंगे, उसके लिए प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस C। योगा सेल्स अकाउंट्स में, और अब हमें यहाँ पे और कुछ नहीं लेना क्योंकि जो हमने जो हमारा जो टैक्स था वो हमने ऑलरेडी आइटम वाइज फिक्स कर लिया है। तो इसको हम ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे, सेलिंग गुड्स उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ अपने आइटम लेंगे, जैसे कि मैं अपने एक आइटम ले लेता हूँ टेबल, आप क्वांटिटी डाल देंगे, रेट डाल देते हैं और दूसरी आइटम ले लेते हैं क्वांटिटी डाल देते हैं। तीसरी आइटम ले लेते हैं अब इसमें हम अपना टैक्स लगाएंगे क्योंकि हमारे जो है वो लोकल सेल्स है तो इसमें हमारा जो टैक्स है वो लगेगा SGST और CGST। तो उसके लिए हम अपना लेजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस C। ये हमारा होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में, यहाँ GST ले लेंगे और हम उसमें और कुछ नहीं लेंगे। यहाँ पे लेंगे सेंट्रल टैक्स और उसमें और कुछ नहीं लेंगे,
क्योंकि हमें जो टेस्ट था वो ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं आइटम वाइज, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और देखिए यहाँ अपने आप जो है वो कन्वर्ट होके आ गया है। अब दूसरा हम एस जी एस टी बनाएंगे, उसके लिए पास करेंगे और प्लस सी, ये भी डुप्लीकेट टैक्सेस में, इसको लेंगे जीएसटी और ये सेंट्रल टैक्स सॉरी स्टेट टैक्स। यहाँ भी हम अपना रेट जो है फिर यहाँ ले लेंगे क्योंकि हमने आइटम में ऑलरेडी ले लिया था, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए ये भी ऑलरेडी कैलकुलेट होकर आ गया। उसको चेक करने के लिए हम यहाँ जो वहाँ जो टैक्स एनालिसिस है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ डिटेल देखने के लिए प्लस करेंगे ऑल्ट प्लस F1। और देखिए यहाँ आप चेक कर सकते हैं कौन सी आइटम पे कितना लगा हुआ है। वापिस जाएंगे और एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब अपनी एंट्री देखने के लिए प्रेस करेंगे पेज अप और फिर अपने टेस्ट इनवॉइस देखेंगे, उसके लिए प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस P और फिर प्रीव्यू देखने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। देखिए आपका जो टेस्ट इनवॉइस है वो यहाँ शो हो रहा है। जूम करेंगे ऑल्ट प्लस Z दबाएंगे, देखिए यहाँ आप चेक कर सकते हैं कौन से आइटम पे कितना टैक्स लगा है और कैसे लगा। अपनी एंट्री की डिटेल चेक करेंगे, उसके लिए वापिस जाएंगे, जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटरी रिपोर्ट्स में, जीएसटी में और जीएसटी R1 में। देखिए जो हमने एंट्री की थी वो P2P इनवॉइस में शो हो रही है, इसको एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू वो कितनी आ रही है और जो हमारा टैक्स है वो कितने हैं और जो हमारा टोटल जो इनवॉइस अमाउंट है वो कितना है। तो आप अपनी ऐसे B2 इनवॉइस में अपनी जो लोकल सेल्स की एंट्री वो कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टैक्स है वो कितना है। अब मैं आपको एक इंटर स्टेट सेल्स की एंट्री करके दिखाऊंगा, तो उसके लिए हम वापस बैक करेंगे, जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ रेफरेंस डाल सकते हैं, अपना एक पार्टी अकाउंट बना लेते हैं और प्लस दबाएंगे। हमारा होगा सैलरी डेटर। अब हम इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो हमारा जो डीलर होगा वो हमारा किसी और स्टेट में होगा, तो मैं फिर कोई और स्टेट लेता हूँ, जैसे मैंने लिया पंजाब, इसको यस करेंगे, इसको रेगुलर ले लेंगे और फिर अपने डीलर का जीएसटी नंबर डाल देंगे। एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, अपना सेल्स ले लेंगे और फिर अपने आइटम डाल देंगे। क्वांटिटी डाल देते हैं, दूसरी आइटम ले लेते हैं, फिर तीसरे आइटम डाल देते हैं, फिर अपना टेस्ट लगाएंगे। तो ये हमारा जो है वो इंटर स्टेट सेल्स है, तो इसमें हमारा जो टेस्ट लगेगा वो लगेगा IGST, तो उसको क्रिएट करने के लिए प्रेस करेंगे और प्लस सी, ये हमारा होगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में, ये होगा जीएसटी में और ये होगा इंटीग्रेटेड टैक्स, बाकी हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके डिटेल चेक करेंगे, क्लिक करेंगे टैक्स एनालिसिस पे, फिर F1
टर्फन दबाएंगे। देखिए आप चेक कर सकते हैं आपको कौन से आइटम पे कितना टर्फ लगा हुआ है, उसको बैक करेंगे और अपनी एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब अपनी एंट्री देखने के लिए प्रेस करेंगे पेज अप और फिर टैक्स इनवॉइस देखने के लिए प्रेस करेंगे और ट्रस्ट की और फिर एंटर करेंगे और जूम करने के लिए और रिजल्ट दबाएंगे। चेक कर सकते हैं आप कि आपको जो इंटरेस्ट शेयर है उस पर आपका जो टैक्स है वो कितना लगा हुआ है। आप वापस जाएंगे और अपनी जो है एंट्री की डिटेल्स चेक करेंगे, जाएंगे डिस्प्ले में, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स में, जीएसटी में और जीएसटी आर1 में। देखिए बी टू इन्वेस्ट में मैंने जो अभी एंट्री की थी इंटरेस्ट सेल की वो शो हो रही है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं आपका जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वो कितना है और जो आपका टोटल जो इन्वॉइस अमाउंट है वो कितना है। तो आप ऐसे बी टू पी इन्वॉइस में अपनी एंट्री कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही टैली और जीएसटी के बारे में नई नई चीजें सीखते रहें। तो जब तक आप ये प्रैक्टिस कीजिए मैं आपको नई नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।